नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है दिन भर के मुख्य समाचार। राम शहर से सोलन जा रही बस की ब्रेक हुई फेल, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। सोलन डिपो की राम शहर से सोलन चलने वाली बस की आज सुबह करीब 7 बजे ढकरियाना और रावण की जोहड़ी के बीच मझेड़ गांव के पास ब्रेक फेल हो गई। इस कारण चालक बस से नियंत्रण खो बैठा, लेकिन उसने सूझबूझ से काम लेते हुए बस को पहाड़ी की ओर घुमा दिया। बस में सफर कर रहे सभी यात्री सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि बस की प्रेशर पाइप फटने से ब्रेक फेल हुई। पंचायत प्रधान प्रेम सिंह ने बताया कि बस में 7 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि यह बस वर्षों पुरानी है। पंचायत प्रधान व कुलवंत कंवर ने सरकार व परिवहन निगम के उच्चाधिकारियों से मांग की है कि इस रूट पर नई बसें भेजी जाएं। श्री नैना देवी नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने ली पद व गोपनीयता की शपथ। श्री नैना देवी जी में आज नगर परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को SDM धर्मपाल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। नगर परिषद श्री नैना देवी की नवनियुक्त अध्यक्ष दिशा शर्मा एवं उपाध्यक्ष भारत गौतम ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। दोनों को SDM धर्मपाल चौधरी ने अपनी शुभकामनाएं दी। नवनियुक्त नगर परिषद अध्यक्ष दिशा शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि श्री नैना देवी में नगर परिषद के रूप में आज उन्होंने शपथ ली है। शिमला के लोअर बाजार में अतिक्रमण पर नगर निगम की कार्रवाई, 12 दुकानदारों व तह बाजारियों का सामान जब्त। शिमला जिला की सड़कों पर अवैध अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों व तह बाजारियों पर नगर निगम ने आज कार्रवाई की है। औचक निरीक्षण के दौरान लोअर बाजार में दुकानदारों ने सड़क पर सामान सजाया हुआ था, जिसे निगम की संपदा शाखा की टीम ने कब्जे में लिया है। इसके अलावा लोअर बाजार में कई तह बाजारी बिना कार्ड अवैध तरीके से बैठे पाए गए थे। निरीक्षण के दौरान लोअर बाजार में 12 दुकानदारों तह बाजारियों का सामान कब्जे में लिया गया है। साथ ही नियमों के तहत 1,000 रुपये का चालान भी MC की टीम ने काटा है। इस दौरान नगर निगम की टीम ने दुकानदारों व तह बाजारियों को सामान सड़क पर सजाने को लेकर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। संगठनात्मक रूप से चुनाव के लिए भाजपा तैयार, ऊना में आयोजित बैठक में हुआ मंथन। भाजपा ने लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है। इस संबंध में ऊना में भाजपा के फ्रंटल संगठन के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई। बैठक में संगठन और मोर्चों को लेकर रणनीति बनाई गई। ऊना पार्टी कार्यालय में बैठक सुबह से शाम तक चलती रही। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी के विभिन्न फ्रंटल संगठनों के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया गया। बिंदल ने कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए संगठनात्मक रूप से तैयार है। पूर्व सैनिक निदेशालय हिमाचल में JOA डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी। पूर्व सैनिक निदेशालय हमीरपुर के रोजगार विंग में विभिन्न पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट की तिथियां निर्धारित कर दी हैं। पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष हमीरपुर की ओर से JOAIT पदों के लिए टाइपिंग 1 फरवरी को लिया जाएगा। JOAIT के SC वर्ग में 65 और ST में 14 पद भरे जाएंगे। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए भी 1 फरवरी टाइपिंग टेस्ट रखा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 सामान्य और 1 SC पद भरा जाएगा। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट के पदों के लिए टाइपिंग व शॉर्ट हैंड टेस्ट 2 फरवरी को होंगे। सभी टेस्ट राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज बड़ू में होंगे। पुलिस ने होटल के कमरे से बरामद किया चिट्टा पंजाब के 2 युवक को गिरफ्तार। शिमला पुलिस की ड्रग पैडलरों के खिलाफ मुहिम लगातार जारी है और इसी कड़ी में पुलिस ने पंजाब के 2 युवकों को शिमला के एक होटल में चिट्टे सहित दबोचने में कामयाबी हासिल की है। न्यू शिमला पुलिस थाना के तहत पुलिस ने खलीणी में एक होटल में ठहरे पंजाब के 2 युवकों पर कार्रवाई की है। वहीं पुलिस ने होटल की तलाशी ली तो होटल के कमरे में ठहरे पंजाब निवासी पर्यटक कुणाल शर्मा व पृथ्वी चंद के कब्जे से 23.04 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। उच्च शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों से जमा करवाना होगा ऑनलाइन एंटी रैगिंग एफिडेविट। उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को अब हर वर्ष ऑनलाइन अंडरटेकिंग सबमिट करनी होगी।
एंटी रैगिंग से संबंधित वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के शुरुआत में अनिवार्य रूप से अंडरटेकिंग भरनी होगी। UGC रेगुलेशंस के दूसरे संशोधन में शामिल बिंदुओं के तहत संबंधित आदेशों की अनुपालना करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में अब उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन को संबंधित आदेशों की अनुपालना करवाने के लिए विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों से ऑनलाइन अंडरटेकिंग सबमिट करवानी होगी। अब डॉक्टर करेंगे विरोध, 18 जनवरी को काले बिल्ले लगाकर ड्यूटी पर आएंगे चिकित्सक। प्रदेश भर में चिकित्सक गुरुवार को काले बिल्ले लगाकर ड्यूटी पर आएंगे। हिमाचल चिकित्सक अधिकारी संघ ने यह फैसला किया है। चिकित्सक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपलों और चिकित्सा अधीक्षकों की शक्तियां न लौटाने से नाराज हैं। दरअसल प्रदेश में अनुबंध पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को 33,660 रुपये वेतन के रूप में दिया जा रहा है, जो कि पूरे भारतवर्ष में सबसे कम है। मुख्यमंत्री ने 3 जून को एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का भार भी स्वास्थ्य निदेशक को लौटाने की बात कही थी। साथ ही मेडिकल कॉलेज में प्रधानाचार्य और वरिष्ठ स्वास्थ्य अधीक्षक की शक्तियों को भी संशोधन के साथ लौटाने पर सहमति जताई थी, लेकिन अब 7 महीने बीत जाने के बाद भी पालन होने पर चिकित्सा समुदाय में रोष है। संघ के महासचिव विकास ठाकुर का कहना है कि मुख्यमंत्री के साथ 3 जून को हुई बैठक में प्रिंसिपलों और चिकित्सा अधीक्षकों की शक्तियाँ वापस लौटाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन यह शक्ति अभी तक वापस नहीं लौटाई गई है। शिक्षकों ने 26 जनवरी से भूख हड़ताल की दी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा नियुक्त शिक्षकों ने कहा है कि अगर 25 जनवरी तक उन्हें नियमित नहीं किया गया तो वे अपनी मांगों को लेकर 26 जनवरी से भूख हड़ताल शुरू करेंगे। स्कूल प्रबंधन समितियों के शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुनील ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे लंबे समय से सेवाओं को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। कहा कि उन्होंने अपनी मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए पिछले साल अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश सचिवालय के परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया था। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आश्वासन के बाद शिक्षकों ने अपना विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दिया था। एक और झटका, पेंशन के ऋण पर नहीं मिलेगा ब्याज, संबंधित फैसलों को चुनौती देगी सरकार। हिमाचल सरकार पेंशनरों को उनके एरियर पर ब्याज नहीं देगी। विभिन्न न्यायालयों से आए इस तरह के फैसलों को उपयुक्त अदालत के समक्ष चुनौती देने को कहा गया है। राज्य सरकार ने पेंशन के एरियर को लेकर अभी कोई नया फैसला नहीं लिया है। वित्त विभाग से यह निर्देश मिलने के बाद कोषागार के निदेशक ने सभी जिलों के ट्रेजरी अधिकारियों को इस बारे में लिखित निर्देश भेजे हैं। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।